आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सरकार की नीतियों के विरोध में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। आपको बता दें, सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। कोरोना काल में काम कर रहे स्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त भत्ता दिए जाने के विरोध में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर काम शुरू किया। फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य कर्मी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, फिर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। आज काली पट्टी बांधकर संविदा कर्मचारी और परमानेंट कर्मचारियों ने सबने सरकार की नीतियों का विरोध किया है। जो कि परमानेंट कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी, सभी कोविड-19 में अपनी ड्यूटी कर रही है, सभी कोविड-19 के अंतर्गत ही ड्यूटी कर रही है 14-15 महीने से। जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25% प्रोत्साहन राशि के लिए घोषणा की है, वो केवल कुछ गिने चुने ही कर्मचारियों को मिल रही है जो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। वो 14 दिन का तो 14 दिन का मिल रहा है, जबकि पूरा कर्मचारी जो है वो ड्यूटियां कोविड-19 में ही कर रहा और पॉजिटिव भी हुआ है। बहुत से हमारे साथियों ने अपनी जान गंवा चुके हैं, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है कि पूरा का पूरा कर्मचारी ऐसा कार्य कर रहा है कोविड-19 में। उन्होंने कहा कि 25 से 31 मई तक इसी तरह काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा, 3 जून के बाद हड़ताल की जाएगी। इस दौरान प्रमुख रूप से NHM जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, महामंत्री कपिल, रेणु तोमर, डॉक्टर महेंद्र परिहार, रूबी बघेल, डॉक्टर पवन, डॉक्टर राजू आदि मौजूद रहे। फतेहाबाद से सी न्यूज़ के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट।